नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने पशु चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक पशु चोर गैंग के मुखिया सहित उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकर गुरदीप सिंह निवासी रतिया फतेहाबाद में अपने मालिक अंकित मल की तीन भैंसें जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये है घर से चोरी कर दिल्ली बेचने के लिए ले गया था। सिटी पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की भैंसें व एक पिकअप गाड़ी बरामद की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिटी थाना के SHO संजय कुमार ने बताया कि आरोपी नौकर गुरदीप सिंह अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों से पहले पशु की चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। SHO ने बताया कि फतेहाबाद से ही तीन भैंसे चुरा करके वह दिल्ली बेचने के लिए गया था। आरोपी गुरदीप को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। SHO ने बताया कि गुरदीप सिंह ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर के अपने मालिक की तीन भैंसे चुरा ली। वह दिल्ली में भैंसों को बेचने की फिराक में था, तभी चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जब इनसे सख्ताई से पूछताछ की गई तो पता चला कि लोग पशु चोरी का एक बड़ा गैंग भी चला रहे हैं। वहीं SHO ने बताया कि गैंग और उसके सभी लोग, इसमें तीन तरह के लोग शामिल हैं। इसके और भी सदस्य हैं जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। ये एक अमित मल एडवोकेट हैं, बाईपास पे उनकी ढाणी है। उन्होंने कल कंप्लेंट दी थी, भाई मेरा नौकर है गुरदीप, हमारी भैंस चोरी हुई है, इस पे शक है। तो हमने उससे सख्ती से पूछताछ की और उसको हिरासत में लेके पूछताछ के दौरान उसने अपने साथियों के नाम बताए। उनको हमने काबू करके उनके कब्जा से तीनों भैंस और गाड़ी और चारों लड़कों को हमने गुरदीप सहित अरेस्ट कर लिया। कल अरेस्ट करके आज पेश अदालत किया गया है, जिनको रिमांड पर हासिल किया जाएगा और इनसे अन्य व्यक्ति भी जुड़े होने की संभावना है और काफ़ी चोरियों में ये और शामिल है। सर, ये पता लग पाया कि जैसे घर का ही वो नौकर बता रहे हैं जो क्यों उसने चोरी की, क्या उसके मन में किस तरीके का लालच था? उन्होंने पूछताछ पे बताया भी, पहले भी हमने एक माइट गांव से झोटा चोरी किया है और वो हमने दिल्ली गाजियाबाद के अंदर हमने बेच दिया था और अच्छे पैसे हमारे को बच गए थे। और एक हमने झोटा कुलेरी गांव से चोरी किया है और उसमें भी हमारे को अच्छे पैसे आ गए थे, इसी कारण उसने भाई अपने मालिक की भैंसें चोरी कराई। तो कितनी कीमत की सर ये भैंसें थी? ये करीब 2 लाख के करीब होंगी।